हनुमते नमः। आपके समक्ष यह लोसो ग्रिड का चार्ट रखा हुआ है और हम जो टॉपिक चला रहे हैं वह न्यूमरोलॉजी का अंक शास्त्र के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग लिखी हुई है। क्या लिखी है? गोल्डन सक्सेस प्लेन जो होता है लोसो ग्रिड में 4-5-6 होता है। अब ये 4-5-6 का लोसो ग्रिड कैसे बनता है, किस तरीके से इसमें हम देखेंगे, उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो 4 होता है, ये देखिए 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4, 5 और 6, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर, चाहे वो आपका मूलांक हो, भाग्यांक हो, कुआं नंबर हो, सभी को मिलाकर अगर यह डायगोनल आता है तो इसे हम कहते हैं गोल्डन सक्सेस प्लेन। तो आप इसको सिंपल सा इसके आगे लिख लीजिए जी, ताकि आपको ये याद रहे, और एस, जी एस, जी से हो गया गोल्डन और एस से हो गया सिल्वर। इसको याद रखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्वर के बारे में बताएंगे, अभी हम गोल्डन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या आपके कुंडली में, आपके चार्ट में, आपके जो ये लूसो ग्रिड के चार्ट में 4, 5, 6 ये दोनों डिजिट प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो आप सबसे पहले यह समझिए, जो 4 नंबर होता है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो होता है न्यूमरोलॉजी में ऊपर का हिस्सा होता है हमारे, ये हमारे लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ हमारी क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने तात्पर्य पे हैं। और जो 5 नंबर होता है यह रिप्रेजेंट करता है, बुध का नंबर होता है, तो यह हमें रिप्रेजेंट करता है कितनी हम स्टेबिलिटी हमारे अंदर है, हम कितना अच्छा सोचते हैं, और हमें बैलेंस करने की कितनी अच्छी नीयत है, साथ ही साथ हमारी अच्छी हेल्थ के बारे में भी यह 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है। आइए 6 नंबर को देख लें। तो 6 नंबर जो होता है यह रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, और यह रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारा हार्डवर्क क्या होगा, हमारा हार्डवर्क, अगर हम हार्डवर्क करेंगे तो उससे हमें नेम मिलेगा, उससे हमें फेम मिलेगा। तो हमारा जो पैसे का मैटर होता है, मनी मैटर होता है, मनी मैग्नेट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ से रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो तीनों हैं 4, 5, 6 ये हमारी हेल्थ, वेल्थ और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? हेल्थ कितनी होगी हमारी, हमारी हेल्थ कितनी होगी, वेल्थ कितनी होगी, और हमारी प्रॉस्पेरिटी को ये तीनों नंबर जो होते हैं चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिए। तो आपने देखना है क्या आपके चार्ट में, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आपने भी डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। मान लीजिए हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 5 अप्रैल 04 हम लिख लेते हैं, 1986 को किसी का जन्म हुआ, हम इस डेट ऑफ बर्थ को ले लेते हैं। जो जो नंबर यहाँ पे आए हैं उन उन नंबरों को हम सीधे सीधे पहले टिक कर लेंगे इस चार्ट में। तो 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर के आगे हमने टिक कर लिया। 4 नंबर आ रहा है, 4 नंबर के आगे टिक कर लिया। 1 नंबर के आगे टिक कर लिया। 9 नंबर के आगे टिक कर लिया, क्योंकि इसमें 1 और 9 है। 8 नंबर के आगे कर लिया और 6 नंबर के आगे कर लिया। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि यह पूरा का पूरा डायगोनल, यह पूरा का पूरा जो डायगोनल है गोल्डन सक्सेस लाइन, इस चार्ट में आ रही है। दूसरे के साथ साथ इस जो चार्ट में यह जो पूरी की पूरी रो है हॉरिजॉन्टल लाइंस में, आपकी प्रैक्टिकल लेन भी, प्रैक्टिकल प्लेन भी यहाँ पे आ रही है। तो अभी हम इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ही सिर्फ गोल्डन सक्सेस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें यह पता लगे जिस जातक जातिका का डेट ऑफ बर्थ है उसके चार्ट में लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी को जब हमने अप्लाई किया तो 4, 5, 6 की गोल्डन सक्सेस लाइन प्राप्त हो रही है। तो देखिए अब ये लाइन पूरी की पूरी कंप्लीट में, बीच में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। तो इसका फ़ायदा क्या होने पाता है? तो जिस इंसान के चार्ट में ये तीनों नंबर पाएंगे वह सक्सेस प्राप्त करेगा जिंदगी के सारे सेक्टर में। क्योंकि गोल्डन का मतलब क्या होता है? सोना, स्वर्ण की तरह वह चमकेगा, साथ ही साथ उसके पास अपनी लग्जरी लाइफ होगी, ऐशो आराम होगा, अच्छा बैलेंस होगा, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा जिम्नास्टिक होगा, साथ ही साथ उसे लग्जरी जो मिलेगी अपने माता पिता से उपहार के रूप में, एंसेस्ट्रल के फॉर्म में मिलेगी। ये सारी चीज़ें गोल्डन सक्सेस लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो कई लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि क्या हमारे चार्ट में न्यूमरोलॉजी से बताइए कि हमें अपने एंसेस्टर और पेरेंट्स से प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है। तो अगर उनके आप चार्ट में इस तरीके की लाइन देखते हैं तो आप कह सकते हैं जी हाँ, आपको मिल सकती है। तो 4, 5
छह जो है ये आदमी को पावर देते हैं और आदमी उस पावर को सही तरीके से कॉन्फिडेंस की तरफ यूटिलाइज करता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं 4, 5, 6 वाले जातकों में पाई जाती है, तो एंसेस्ट्रल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिल जाती है। अब क्या है, अगर यह प्लेन ही ना हो, मतलब इसमें से या तो ये नंबर मिस हो जाए या फिर ये नंबर प्रेजेंट हो, 5 नंबर मिस हो जाए, मतलब किसी तरीके से 4, 5, 6 का प्लेन कंप्लीट ना हो, इस वक्त क्या होगा, इस केस में देखा जाता है कि डिस्प्यूट्स होती है। क्योंकि देखिए पहले केस में क्या था, जब आपको मिल गई प्रॉपर्टी माता पिता से तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स होगी, क्या भाइयों के बीच में होगी, माता पिता के साथ डिस्प्यूट होगी प्रॉपर्टी को शेयर करने में, साथ ही साथ आपका जो अपना पॉइंट होगा हर चीज में आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे और स्टबर्न नेचर आपका क्रिएट कर डालेगा ये। साथ ही साथ यह आपको अच्छी मेहनत, जो पहले चीज आपको गोल्डन सक्सेस प्लेन मिले थे, यहां पे आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा और वर्क हार्ड भी आपको 24/7 के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और अपने कार्य के लिए आपको एप्रिसिएशन की, जो उत्साह की, जो प्रेज की जरूरत होगी, उसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तभी ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो देखिए ये तो हमने सीधे नंबर से बता दिया, नंबर से अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि भाई आपको अपना मूलांक भी निकालना है और साथ ही साथ आपको अपना भाग्यांक भी निकालना है। अगर मूलांक में नंबर आ जाते हैं, मूलांक में नंबर आ जाते हैं, देखिए यहाँ मूलांक क्या हुआ, 0+5, 5 हो गया, भाग्यांक क्या होगा, हम इन पूरे नंबर को जोड़ देंगे, तो 5, 4, 9, 1, 10, 19 हो गया यहाँ पे, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो 33 आ गया, 3+3 जो हो गया वह यहाँ पे 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ में आपका नंबर एक ऐसे आ गया और साथ ही साथ 2 नंबर और निकाले, 5 और 6 नंबर आपने यहाँ पे निकाले, तो मूलांक और भाग्यांक से भी आपका अगर मिसिंग प्लेन जो है वो फुलफिल हो रहा है तब भी वो गोल्डन सक्सेस प्लेन में ही आएगा। तो ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में यह नंबर तो नहीं है और यह नंबर मूलांक और भाग्यांक से आ रहा है, क्या ये चरितार्थ होगा, जी हाँ ये चरितार्थ होगा। अब अंत में आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत से फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं जी हमें पता नहीं लगता कि वीडियो कब आ रही है ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजर की तरफ से। क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप सब्सक्राइब कर लेने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। हम कोशिश करते हैं हर रोज़ हमारी वीडियो आपके इनबॉक्स में आए, तो नई नई वीडियो को सीखना है, कुछ लर्न करना है, तो आपको यह सीखना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि 60 दिनों में आपको फ्री रिप्लाई किया जाए आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की प्रोफाइल से, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं बिना किसी असमंजस। तो जाते जाते किसी तरीके के आप अपने ईमेल और फोन नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर मत कीजिए, हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है, और सब कमेंट्स में पोलाइटनेस बना के रखिए और फिशिंग मत कीजिए, अदरवाइज आप स्पैम में जाएंगे और आपका आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। चलिए अब अगले पार्ट में हम जो बात करेंगे सिल्वर सक्सेस प्लेन की बात करेंगे, देखेंगे वहां पे क्या चीजें आएंगी। तो ये जिंदगी में नोट कर लीजिए, जो नंबर मिसिंग है उन नंबरों को पूरा करना आपके ही हाथ में, चाहे वो मोबाइल नंबर से कर लीजिए, चाहे आप ऐसी स्त्री या ऐसे पति के साथ मैरिज कीजिए जिनके कुंडली में, जिनके नंबर्स में, जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स, मिसिंग नंबर्स आपकी जो चार्ट में है उनके चार्ट में आए, तब भी आप एक कंप्लीट अपने आप को पूर्णतः पाएंगे। तो आज यहाँ पे इजाजत दीजिए, नमस्कार।